हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वांचू के व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम तैयार हैं जाने के लिए ऋषिकेश। बस अब हम निकलने की तैयारी करेंगे, फिर रास्ते भर बातचीत चलती रहेगी। हम हैं दोस्तों देहरादून हरिद्वार हाईवे पे, और भाई इतना खाली खाली रास्ता, इतना खुला खुला रास्ता, मज़ा आ गया। ओ भाई 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 भाई, स्पीड देखो, स्पीड यार क्या गजब स्पीड है भाई। 100 से ऊपर जा रहे हैं हम, 100 से ऊपर। हम मुड़ चुके हैं दोस्तों ऋषिकेश की तरफ, अब बस मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। हम जा रहे हैं दोस्तों बीटल्स आश्रम की तरफ, तो बीटल्स आश्रम का रास्ता जाता है सीता झूला से होते हुए, तो हम चल पड़े हैं सीता झूला के ऊपर। अब बस ये है कि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है और हमें संभाल के चलना पड़ रहा है। हालांकि हैंडलिंग अच्छी हो तो आप तेज़ भी चल सकते हो, क्योंकि पीछे से लोग हॉर्न मारते रहते हैं अगर आप स्लो हो जाओ तो तेज़ तेज़ निकलो, लेकिन सेफली और अपनी हैंडलिंग सही रखो बस, क्योंकि गाड़ी हल्की सी मुड़ी तो बहुत बुरा ठोकोगे भाई। ओ भाई वाह, हनुमान जी का वॉल आर्ट देखो यार, हनुमान जी की पेंटिंग देखो, क्या गजब पेंटिंग है भाई। जय हनुमान। हाय दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अभी हम हैं बाहर बीटल्स आश्रम के। टिकट लेंगे अभी हम और फिर चल पड़ेंगे। ये रहा, ये रहा टिकट काउंटर। हाँ जी ठीक है, चुके हैं बीटल्स आश्रम, जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने नाम दिया है 84 कुटिया। और यहाँ पे बहुत सारे मस्त मस्त जगह हैं देखने को। यहाँ पीछे हो रहा खंडर और हो रहा पीछे मेडिटेशन हट, ऐसी बहुत सारी हट्स हैं, बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक जीवा। वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों। चल चल के देखते हैं, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, सोच रहा हूँ ऊपर जाने लगा। ये है मठ, ये है वहां की एंट्रेंस। हम पहुंच गए हैं ऊपर के फ्लोर पे और नीचे से ये रही सीढ़ियां, जहां हमें आने में थोड़ा सा डर लग रहा था।
सारी कुटियों का डिजाइन बेसिकली एक सा है। नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पर भी, लेकिन वो टूटा हुआ है, तो हम नीचे जाने का रिस्क नहीं लेंगे। बाकी नीचे का रास्ता है, बाहर से हम जा सकते हैं। वो थी सबसे पहली कुटिया जिसमें हम लोग गए थे। अब हम करेंगे एक्सप्लोर ये खंडर। बेसिकली मेरे को ऐसी खंडर वाली जगहें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इस जगह पर आने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। वॉल आर्ट भी देखो क्या कैसी बना रखी है भाई। तो बेसिकली ये खंडर है, इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं। लोगों ने दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख रखा है, राधे राधे हरे कृष्णा लव यू। भाई वॉल आर्ट बहुत मस्त है यहाँ का। यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन हट है और खंडर है। खंडरों में देखने लायक ऐस सच तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई अगर फोटोग्राफी के शौकीन हो तो भाई बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिल जाएंगी। एक ज़माने में ये जगह पोस्ट ऑफिस रही थी, अब खंडर है, पर एक टाइम में यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करता था इस एरिया का। बीटल्स आश्रम के सारे वॉल आर्ट्स और साथ में मेरी फोटोग्राफी, इसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे बांचु के ब्लॉग्स को ज़रूर एक बार चेक करें। और यहाँ पर है एक नंदी भगवान की मूर्ति और शिवलिंग। दर्शन करने का मन है लेकिन जूते उतारने पड़ेंगे, जूते उतार के दर्शन कर लूं।
मन खुश हो गया भाई महादेव के दर्शन करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जगह कभी किचन रही थी महाराज जी के लिए। भाई ये है मेन जगह देखने लायक। सिक्सटीज के टाइम में द बीटल्स जो रॉक बैंड था अमेरिका का, ये आया था ऋषिकेश और यहाँ पे इन्होंने ट्रांसेंडल मेडिटेशन सीखा था और साथ ही इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अपने सॉन्ग्स भी कंपोज किए थे। इनको इंडिया बहुत पसंद आया था और इन्होंने बहुत सारे गानों में इस बात का जिक्र भी किया है इनको इंडिया कितना अच्छा लगा, यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोग इनको कितना अच्छा लगा। चलो अब हम निकल चुके हैं भाई, बहुत मस्त जगह है। तो क्योंकि जगह बहुत बड़ी है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में लेकर आ रहा हूँ। ये पार्ट वन है, पार्ट टू के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।